हेलो दोस्तों, मैं भी सुजीत स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका वर्ल्ड इन ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास टेंथ के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जिसे जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो इस लॉकडाउन के दौरान भी हम आपके पढ़ाई को जारी रखेंगे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम चलेंगे अपनी वीडियो की ओर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं, चेक का रेखांकन डैश द्वारा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि चेक का रेखांकन किसके द्वारा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए आहर्ता, बी भुगतान पाने वाला, सी पृष्ठांकन, डी बैंक। दोस्तों यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर होगा भुगतान पाने वाला, यानी इसका जवाब बी है, भुगतान पाने वाला। दोस्तों आपको बता दें कि भुगतान पाने वाला चेक का रेखांकन नहीं कर सकता। दोस्तों क्वेश्चन नंबर टू, चेक के मुख्य पृष्ठ पर बाईं ओर कोने पर दो तिरछी समांतर रेखाएं खींच देने को कहते हैं। तो यहाँ पे चार ऑप्शन हैं, ए पृष्ठांकन, बी रेखांकन, सी बेचान, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बी रेखांकन। दोस्तों चेक का रेखांकन करने से चेक सुरक्षित हो जाता है। तो जब बाईं ओर चेक के दो समांतर रेखाएं खींची हो तो उसी को ही चेक का रेखांकन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, रेखांकित चेक का भुगतान डैश। तो यहाँ पे इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए नगद मिल सकता है, बी नगद नहीं मिल सकता है, सी ग्राहक के खाते में जमा होता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी ग्राहक के खाते में जमा होता है। तो दोस्तों रेखांकित चेक एक सुरक्षित चेक होता है जिसका भुगतान बैंक के खिड़की पे नहीं मिलता, अर्थात ये ग्राहक के खाते में जमा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर, आदाता द्वारा प्राप्त वाहक चेक को रेखांकित डैश। ए किया जा सकता है, बी नहीं किया जा सकता है, सी पता नहीं, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए किया जा सकता है। दोस्तों आदाता द्वारा प्राप्त वाहक चेक को रेखांकित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए व्यापारी, बी बैंक, सी देनदार, डी लेनदार। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए व्यापारी। दोस्तों बैंक संबंधी लेन देन के विवरणों को समाधान करने के लिए व्यापारी बैंक समाधान विवरण तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। चार ऑप्शन इसके दिए हुए हैं, ए व्यापारी की इच्छानुसार, बी अंतिम खाते बनाने से पूर्व, सी अंतिम खाते बनाने के पश्चात, डी छमाही। तो इसका आंसर हम लोग जानते हैं आगे। दोस्तों इसका सही जवाब होगा व्यापारी की इच्छा अनुसार। व्यापारी अपनी इच्छा के अनुसार बैंक समाधान विवरण तैयार कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर सेवन, बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। यहाँ पे इसके चार ऑप्शन हैं दोस्तों, ए रोकड़ पुस्तक के बैंक कॉलम से, बी रोकड़ पुस्तक के रोकड़ कॉलम से, सी रोकड़ पुस्तक के बैंक कॉलम से या पासबुक से, डी पासबुक के शेष से। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी रोकड़ पुस्तक के बैंक कॉलम शेष या पासबुक के शेष से। क्वेश्चन नंबर एट, बैंक अधिविकर्ष होता है। तो दोस्तों यहाँ चार ऑप्शन दिया हुआ है, आइए पढ़ते हैं इन्हें। ए जब ग्राहक का रुपया बैंक में जमा होता है, बी जब बैंक ग्राहक को उसकी जमा राशि से अधिक रुपया ऋण के रूप में देता है, सी जब ग्राहक खाता बंद कर देता है, डी उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जब बैंक ग्राहक को उसकी जमा राशि से अधिक रुपया ऋण के रूप में देता है। दोस्तों बैंक ऐसी व्यवस्था केवल करेंट्स अकाउंट के लोगों को देती है, यानी जो व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन, चेक पर लेखक के हस्ताक्षर होना डैश। तो यहाँ पे दोस्तों चार ऑप्शन दिए हुए हैं,
ए आवश्यक नहीं है, बी वांछनीय है, सी आवश्यक है, डी ये सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी आवश्यक है। जब तक चेक पर लेखक के हस्ताक्षर नहीं होंगे तब तक बैंक किसी भी चेक का भुगतान नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 10, लेखांकन में किसी वस्तु का लेखा उसके किस मूल्य पर किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे चार ऑप्शन है, ए वास्तविक मूल्य पर, बी अवास्तविक मूल्य पर, सी वित्तीय मूल्य पर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए वास्तविक मूल्य पर। लेखांकन में किसी वस्तु का लेखा उसके वास्तविक मूल्य पर ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, सभी प्रकार के नगद लेन देनों का लेखा किस सहायक बही में किया जाता है? यहाँ पे दोस्तों चार ऑप्शन हैं, ए रोकड़ बही, बी विक्रय बही, सी देय विपत्र बही, डी क्रय वापसी बही। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए रोकड़ बही। हम लोग जानते हैं कि नगद लेन देनों का लेखा रोकड़ बही में ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विपरीत प्रविष्टियों का आशय है। तो दोस्तों इसके यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए दो खातों में एक ही पक्ष में लेखा होना, बी ऐसे लेखे जिनका लेखा रोकड़ बही में दोनों पक्षों में किया जाता हो, सी रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष में लेखा किया जाता हो, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बी ऐसे लेखे जिनका लेखा रोकड़ बही में दोनों पक्षों में किया जाता हो। क्वेश्चन नंबर 13, विनिमय विपत्र के भुगतान में अनुग्रह दिवस होते हैं। तो दोस्तों यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए 2, बी 3, सी 5, डी 6। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बी 3, यानी अनुग्रह दिवस में 3 दिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विनिमय विपत्र डैश द्वारा स्वीकार किया जाता है। यहाँ पे चार ऑप्शन हैं, ए आहत के, बी अदाकत के, सी आदाता के, डी बैंकर के। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बी अदाकत के। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि विनिमय विपत्र अदाकत के द्वारा स्वीकार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, विनिमय विपत्र डैश द्वारा लिखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे चार ऑप्शन हैं, ए आहार्ती, बी लेनदार, सी स्वीकर्ता, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बी लेनदार। दोस्तों विनिमय विपत्र लेनदार द्वारा लिखा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने कुछ नया सीखा होगा। तो इस लॉकडाउन के दौरान ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहिए ताकि आपको नए नए जानकारियाँ प्राप्त होती रहें।